नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। समाज सेवी और विधानसभा रुद्रपुर विधानसभा से टिकट के दावेदार श्रीनाथ तिवारी ने गरीबों को किया कंबल वितरण। कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिले। गरीबों ने आशीर्वाद में कहा कि आप रुद्रपुर से विधायक बने। देवरिया जनपद के रुद्रपुर स्थित दूधेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम के माध्यम से रुद्रपुर विधानसभा से सपा के टिकट के प्रबल दावेदार श्रीनाथ तिवारी ने आज गरीब असहाय व लाचार लोगों को कंबल वितरित किया, जो समाज में एक अच्छी पहल कही जा सकती है। इस कार्यक्रम में अपर जन समुदाय देखने को मिला, अपार जन समुदाय देखने को मिला, जो कंबल पाने की चाह में दिन भर खड़ा रहा। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इस मौके पर श्रीनाथ तिवारी ने कहा कि ये एक बहुत ही नेक काम है और इस काम को सभी को करना चाहिए, जिससे समाज में गरीब व असहाय जन की मदद हो सके। मेरी ये लगातार कोशिश रहती है कि ऐसे गरीब मजलूम की मदद कर सकूं। मैं अन्य लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि वो भी इस नेक काम में अपना हाथ बटाएं और ऐसे लोगों की इस ठंड में मदद करें। आज मैंने करीब 10,000 लोगों को श्री में कंबल वितरण किया है। एक अपने तरफ से सहयोग, छोटा सहयोग देकर के एक पुलिस काम करने का काम कर रहे हैं। जब सबको मालूम है कि देश और प्रदेश में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। जहाँ इस सरकार का किसान दुखी है, वही नौजवान दुखी है, व्यापारी दुखी है, छात्र दुखी है, बेटियां दुखी है, माताएं दुखी है, बाले दुखी है, आम जनमानस दुखी है, सारे लोग परेशान और हैरान है। मैं कहना चाहता हूं वापस कि साथियों, कि रसोई रसोई गैस का दाम जब कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया था तो भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों